तो जरूर करना है, लेकिन अभी के लिए न्यूट्रलाइज करना है, एक नॉकआउट उनको निकालना जरूर है। माय गुडनेस, बहुत ही ज्यादा नॉलेज होते हैं, बच जरूर जाते हैं। टीम फाल्कन स्कोर से एक और एलिमिनेशन पॉइंट स्कोर करते हैं। नॉट बुल्स के अतराफ दोनों के दोनों प्लेयर्स को इस बात से बाहर कर दिया जा चुके हैं। हे कम सरशिन, नाइट अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। रिवाइवल का प्रोसेस वहां पर शुरू होता हुआ, नाइट का शॉट कर आगे बढ़ते हैं, क्रॉसेस जमाए जाते हैं, एक्शन को गिरा दिया जाएगा। आई सी वाई अपने क्रॉसेस बनाते हैं, नाइट स्टेक डाउन इज वेल, तो आगे बढ़ेंगे, यूटिलिटीज का फुल पावर करता वो चाहते हैं। नाइट अपने जज्बातों को बिल्कुल पड़ा एक्सेप डाउन इज वेल, तो दफा बाद भी तरीक लिया जाता है, क्या ही शानदार तरीके से बहुत बहुत चिकन हुआ है। लेकिन डीएमआर के प्लेयर वो भी आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हैं और कोशिशें भी की जा रही है उनकी साइड से, ग्रेनेड जताने चाहेंगे सामने की साइड पर, लेकिन किसी को भी तांग या कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। टीम मैड बुल्स अपने दोनों तरफ को कवर कर पा रहे हैं, एक जाने स्पोर्ट्स के क्रॉसर्स अब को भी रोक पा रहे हैं, लेकिन ये शानदार प्रोजेक्टाइल था यूजीन को घुटनों पर लेकर आएगा। मैड बुल्स के प्लेयर मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने चाह ही रहे हैं। 52 स्पोर्ट्स के प्लेयर वहां पर टीम मैडबुल्स के खिलाड़ी को नॉट आउट करने में रहेंगे कामयाब, दूसरे को भी पकड़ा जाएगा। पांचवा एलिमिनेशन पॉइंट ऑलमोस्ट अपना कंफर्म कर रखे, सामने रहते अब सिर्फ आखिरी ही प्लेयर रह चुके हैं और 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर अपना चिकन डिनर कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन सेनेश को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी नहीं है, टी फोर को बहुत ही ज्यादा नॉलेज भी करने में कामयाब रहेंगे, अपने प्रोसेस बनाते हैं, टी फोर दिया जाएगा, सेनेश आगे बढ़ते देखने को मिल रहे हैं और नॉलेज भी को खुद भी जरूर रहेंगे। शामिल को नॉलेज भी जी बिल्कुल लीजिए, फाइट का आगाज कर दिया जाएगा। टीम 52 स्पोर्ट्स के कुछ खिलाड़ी जला दिए जा चुके हैं, लेकिन नीचे से आएगा रिटालिएशन। सियोल आईएचसी आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, देखते ही देखते 52 स्पोर्ट्स के प्लेयर फिनिश ऑफ करते हुए ये स्कोर ड्रॉप क्लैश का 3-0 पर जाने ही वाला है, लेकिन फिर सामने रहते टीम 52 स्पोर्ट्स के खिलाड़ी में देखना चाहता हूँ कितने एलिमिनेट हो चुके हैं। सिर्फ एक ही प्लेयर एलिमिनेट हुआ है और पीछे रह गए एक प्लेयर, नॉट आउट जरूर है, जिनको रिवाइव देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी इस्लाम में टीम रेंजी साइड वहां पर इस ड्रॉप क्लैश को खत्म कर दिया और मैग्नस को इस मैच से बाहर कर दिया जाता है। आईएचसी ग्लोबल चैंपियंस और पीएनएसएल में अभी के लिए पहले पायदान के दावेदार इस मैच से बाहर कर दिए जा चुके हैं। मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, कवर मौजूद है, हाई ग्राउंड एडवांटेज ज्यादा फाल्कन स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के पास ही रहेगा। टी टू फोर ओपी आगे बढ़ते हैं, सामने से प्लेयर्स का अपर बॉडी कॉम्प्रोमाइज जरूर होता है, लेकिन फॉल बैक कर दिया जाता है, आगे बढ़ते हैं। टीम फाल्कन स्पोर्ट्स के टॉप टी टू फोर का सामना किया जाता है, ही टेक्स हिम डाउन, दूसरे प्लेयर को गिराते हैं और फाल्कन स्पोर्ट्स के खिलाफ एक ऐसी टीम के खिलाफ 1v3 किया जाता है जिसका मुकाबला ही कोई नहीं कर पाया, जिसका मुकाबला ना कोई कर सकता था, लेकिन टी टू फोर ओपी जब सामने होगा तो बताया गया उनकी तरफ से एक मैसेज भेजा गया कि अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना। मेरे हिसाब से हम अभी #1 हो सकते थे, काफी गलतियां की हैं उस गेम में। ये था क्या कहते हैं, जब मैंने नॉक किया तो मेरे पे तो काउंटर नेड आ गया, तो वहां पे 1v2 ही रह गया। ओपू का आगे गया तो एज जैसे कि वो अब लोगों को तो नहीं पता क्या था, लेकिन उसका ना DPS ग्लिच हो गई, उसकी रिलोड नहीं हो रही थी, तो वो उसने वहाँ पे आगे जाके बस उससे वानी बनी। अब फिर 22-4 जो था उसको ना लाइक साउंड का थोड़ा इशू आया, क्योंकि फर्स्ट डे है ना नैन का, तो थोड़ा साउंड जज करने में थोड़ा मसला हो रहा है, तो उसे साउंड नहीं, उसको मैं साउंड दे रहा था, उसे मैं कॉल दे रहा था कि भाई के वो ना तेरे पे नेट करा रहा है, तुम आगे जाके उसमें पुश कर दो, तो वो क्लियर साउंड नहीं आई, तो वो वहाँ पे बैठा रहा था उसके नेट आगे। जी हाँ बिल्कुल, ये स्नैप में तो होता है, लेकिन आप देखिए स्टारवुड ईस्पोर्ट्स ने कैसे उस ड्रॉप फ्लैश को एलिमिनेट किया जो रॉजॉक में हो रहा था मैड बुल्स के अगेंस्ट। स्टारवुड ईस्पोर्ट्स अब उन्होंने रॉजॉक को अबैंडन कर वो कहीं ना कहीं रोइंग्स के आसपास उतर रहे हैं, एंड वहीं पर AGXI8 हमें उतर के देखने को मिले, लेकिन स्टारवुड ईस्पोर्ट्स स्टिल उन कर रहे हैं। जिस साइड के अगेंस्ट ये ड्रॉप फ्लैश बनकर निकल आता है उसकी जद में आकर एक प्लेयर गिरते हैं, तो प्लेयर्स गिरा दिए जा चुके हैं टीम स्टारवुड ईस्पोर्ट्स के रेजिसाइड की जानिब से।
एक अच्छा आगाज सामने प्लेयर आए, नॉकी नॉक निकाल सकते थे लेकिन बच जाएंगे प्लेयर सालोन ई-स्पोर्ट्स के। टीम रेजिसाइड को एक भी प्लेयर अपना गवाना नहीं है, उनको वही कंसिस्टेंसी दिखानी है। आमने सामने आएंगे प्लेयर, गिरते हैं स्टालवर्ड ई-स्पोर्ट्स के क्रेता, वो रह चुके सामने अपने क्रॉसेस जमाए बैठे हैं। शानदार तरीके से इस फाइट को खत्म किया जाएगा टीम स्टालवर्ड ई-स्पोर्ट्स, रेजिसाइड के हाथों सोलहवें पायदान पर इस मैच से बाहर कर दी जाती है। सबसे आगे चले जाते हैं, एक यहाँ पर फिर से स्पोर्ट्स अपना मैन एडवांटेज गेन कर ली थी। फाइनली इस सारी फाइट में नजर आएगी बल्लू के ड्राई काची, उनका पूरा ध्यान यहाँ पर स्पोर्ट्स की तरफ है। ये कौन है, टीम वो कर सकता है, लेकिन चिकन डिनर ये आपका चिकन डिनर है, ले जाती है अपना पहला चिकन डिनर। Inform kiya jayega last one standing is pusher, it's a 1v2 and Wow Esports apne liye chicken dinner confirm karne ki possibility maximize karte hue Wow Esports ke knight ke paas info chali jayegi and ab koi bhi nahi bacha payega, koi bhi nahi rok payega Wow Esports ko. This is going to be that 1v2 situation jahan par pusher ko kuch khas karna padega, but with this utility is it gonna be enough? It was not a grenade, it was a firecracker, lekin samne se grenade aayega Zafar ke kafi kareeb girta hai ye। जी हाँ बिल्कुल, और लीजिए फॉलोइंग ग्रेनेड पुशर दागते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना है टीम वाओ ई-स्पोर्ट्स को। एंड चार एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर एक अच्छा मोमेंटम जरूर हासिल किए जाएंगे, बिलीव मी। चार एलिमिनेशन पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स मिलाकर 14 पॉइंट्स बनते हैं जो कि हर ये टीम निकालना चाहती है, लेकिन पुशर को स्पॉट डाउन किया जाता है। पुशर उठते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी वो कर नहीं पाएंगे। एंड वाओ ई-स्पोर्ट्स दूसरे दिन का पहला चिकन डिनर अपने नाम करती है, अपने उनका पहला रहेगा। किसी सिचुएशन में इस तरह की आते हैं और आप रियलाइज नहीं कर रहे होते, एक्सपेक्ट तब तब किला तनता है, लेकिन जब सामने वाली टीम को पता है तो मेरे पास एक नया नहीं मिल रहा है। आपकी बात में इसके साथ काफी डिसिप्लिन है, बट देयर यू कैन सी दैट आई काफी शानदार था, लेकिन वही से गुणे चाहेगा आ चुके हैं, शायद बाहर जाते तीन लोग खेलना चाहते थे लेकिन इनको मिल जाएगा बाहर आने की इतना ज्यादा रिस्की के नहीं खेलना मेरे भाई। शानदार यहाँ पर नौ कुछ आएंगे, किस पे डिशा हो गए सब, यहाँ पर एक और मिशन फॉर्म करने वाले आते हैं।
जी हाँ बिल्कुल बराबर, लेकिन आई क्यू के एलिमिनेशन वो नेसेसरी जरूर रहा है, लेकिन खैर उसके पास टीम है ऐसे कॉनिक्स आई एट है तो एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम आई एच सी के ऊपर कंफर्म कर रखे हैं। तीसरा अभी नॉक डाउन है जियोल को एलिमिनेशन पॉइंट पे तब्दील करने के लिए करने आगे जा रहे हैं। इनफैक्ट आई एच सी के अभी भी हमें काफी प्लेयर सर्वाइव करते तीन दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेयर नॉक डाउन है डेमो जी का वहीकल ट्रेस किया जाएगा क्रिप्टो के जाने से, क्रिप्टो क्या दुकान आगे बढ़कर प्रोसेस बना पाएंगे आइए देखते जरूर है। लेकिन ऐसे कॉनिक्स आई एट वो घेराव कर चुकी है, वो आई एच सी को यहाँ से बाहर निकलना देने ही नहीं चाहते हैं। टेमोजी सामने मौजूद है, ग्रेनेड जाएगा, नॉक क्या निकालेगा? जी हाँ मुझे लगता है निकालेगा और निकाला भी जाएगा नॉकआउट। ऐसे कौन एक्साइटेड बदला लेना चाहती है आईक्यू के एलिमिनेशन को और अपने मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करने के लिए आगे बढ़कर चढ़कर आईएचसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। रिटालिएशन में कुछ ग्रेनेड जा रहे हैं, टेमोजी का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए पलक जान मारते दिखाई जरूर ही दे रहे हैं, लेकिन गॉडलेस आगे बढ़ चुके हैं, गॉडलेस आगे बढ़ चुके हैं, गॉडलेस ऊपर आएंगे पीछे से आएगा फलक नॉकडाउन निकालने में कामयाब रहेंगे। एलिमिनेशन पॉइंट तीसरा कंफर्म कर दिया जाएगा, बाकी के तो एलिमिनेशन पॉइंट्स रह चुके हैं। सियोल आज में ग्रेनेड कुक करे बैठे हुए हैं, सियोल को भी अंडर एस्टिमेट किया जा नहीं सकता है, लेकिन ऐसे तो एक्साइट को भी अंडर एस्टिमेट किया जा नहीं सकता है। 80 सेकंड रह चुके हैं और सर्कल के साउथ इनिंग पर ये फाइट बनेगी एंड गेम इज ओवर फॉर टीम आईएचसी। ऐसे बॉनिक साइड के पलक बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, रोप्स मूव्स के अंदर मौजूद है, रोप 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 बाहर निकलेंगे, पलक को गिराएंगे आईक्यू पीछे रहते कवर देंगे आईएचसी के एलिमिनेटेड चार एलिमिनेशन पॉइंट्स और 8 पर इस मैच में खत्म क्या कर पाएगी 7 पर। ऐसे बॉनिक साइड लेकिन पलक नॉकडाउन है, सामने रहते मैडबुल्स के पास ज्यादा कुछ करने को तो मौजूद नहीं है, स्पोक्स के आपके पास इन्हें और ये देखना आप बाकी है स्प्रे किया जाता है उस रंग की जा रहे थे। ऐसे कॉनिक साइड एक ही दिन में दो चिकन डिनर से की बनाना चाहती है लेकिन कवर आ रहा है, बैटबॉल्स के प्लेयर्स के बिल्कुल सर के ऊपर आई क्यू जा चुके हैं, आई क्यू के पास एंगल मौजूद है, एक को गिराएंगे दूसरे को क्या गिरा पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल ऐसे कॉनिक साइड इस मैच का चिकन डिनर करती है कन्फर्म है। जी हाँ खुशी हमें चेहरों पर दिखाई दे रही है, क्या बात है क्या ही कमाल परफॉर्मेंस, 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए ऐसे कॉनिक साइड। किस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने अपने उस प्रेशर को टैकल करने में, किस तरह से क्या माइंडसेट चेंज किया या मोटिवेट किया एक दूसरे को, कोई पेप टॉक थी जो आपने मैचेस से पहले दी आज एक दूसरे को? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैसी टीम है कि अगर लाइक पूरा भी खेला तो हम कभी भी एक दूसरे को गेम या दूसरे दिन कभी गुस्सा वगैरह नहीं दिखाते, इस वजह से हमारे हर एक प्लेयर जो है ना खुशी रहता है, बेशक प्लेयर टीम तो बेशक अच्छी टीम हो हम लोग अपने लिए साथ होते हैं, क्योंकि फैंस जो होते हैं फैंस कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं किसी तरीके से बुरा खेले और हम इनके ऊपर बातें करें, तो अगर फैंस ही ऐसे हैं कोई कोई आपके ऐसे दूसरे को कहते हैं कि यार हम वापस आएंगे। एंड ऑल्सो अबाउट योर लास्ट क्वेश्चन, हमें पता था कि यार हमारा दिन पर दिन परफॉर्मेंसेज इंक्रीज होती जाएंगी, हम लोग वापसी जाते हैं, हम लोग अपनी गेम्स को रिज्यूम करते हैं, हम लोग को पता होता है इसलिए हमारा कभी मूड नहीं ऑफ होता, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं फुल चिल रहते हैं, बिकॉज हमें पता है फाइनल्स तक इट्स ऑल जस्ट लर्निंग स्टेज, बोनस पॉइंट्स का भी इतना फायदा नहीं है ना कुछ, इट्स ऑल लर्निंग स्टेज। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हम लीग स्टेज पर गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये गलतियाँ जो है ये फाइनल्स में फिर हमसे नहीं होंगी, हमें पता होगा क्या गलतियाँ मिलती हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल स्टेज। पब जो मोबाइल सुपर लीग सेंट्रल एंड साउथ एशिया 2024 लीग स्टेज का आज का दिन आखिरी रहेगा, 6 मैचेस खेले जाएंगे और मेरे साथ मौजूद रहेंगे अलादीन आज के भी दिन। कैसे हैं आप अलादीन, कितना एक्साइटेड है लीग स्टेज एक महीने पर मुश्तमिल फाइनली अपने आखिर तक आ ही चुका है? जबरदस्त, थैंक यू सो मच आदि, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्रश्न दावत देने के लिए। एंड जी हाँ आपने सही से कहा कि एक महीना का एक लंबा सफर था जिसको हम देखते आ रहे थे, बट लग रहा था कि शायद ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा, लेकिन अब फाइनली वो आखिरी दिन आ चुका है, लीग स्टेज अपने अख्ताम की तरफ चला जाएगा। आज के दिन हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें वाजह होंगी, आज के दिन ये वाजह होगा सबसे पहले कि बोनस पॉइंट्स किसको सबसे ज़्यादा मिले हैं और किसको कितने मिले हैं, उसी के साथ साथ आज के दिन ये भी वाजह होगा कि लीग स्टेज का चैम्पियन कौन बनेगा। यार आर3G इधर से ये मोमेंटम मैचेस होते हैं और आर3G का एक चिकन भी नहीं है आज तक। ओए
वाद रो रहा है यार, वाद रो रहा है, वाद प्लीज डोंट यार, खैर है यार, वाद वाद रो रहा है भाई, क्या किया यार। Toronto Esports versus A6C G, दोनों आमने सामने आ जाएंगी, दोनों टीमें, and Matt Bulls is going for a third party. Matt Bulls यहाँ पर third party kill ready. Look at the kill feed, एक grenade के साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन players को lobby भेजा जाएगा. Team R3G के player की तरफ से, लेकिन R3G के उस player को spot किया जाता है. मुज़ैफ़ा फिनिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप यूटिलिटीज देखें, दोनों साइड से डंप होंगी, मैट बूस करेगी थर्ड पार्टी, फलक एक क्रीप ग्रेनेड आएगा, फलक बचना चाहते थे लेकिन नॉक हो जाएंगे. टीम ASCG के उसम को देखें आप, ही इज गेटिंग क्लोज एंड उसम क्लोजिंग करेंगे, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, वन यू वन आलियान के साथ बनेगा द आइजल विद फुल एचपी वर्सेस द आइजल विद जीरो एचपी, लेकिन आलियान आगे बढ़ेंगे, एलिमिनेट किया जाएगा उनकी तरफ से. इस जेरिश की साइड से ज्यादा मैट बुल्स वहीं पर जा रही है जहां पर वाओ ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ी मौजूद है, उसे गिराया जाएगा, वन ऑफ द स्टार प्लेयर, लेकिन हुज़ैफ़ा ओवर कमिट कर जाएंगे, हुज़ैफ़ा पैनिक कर जाएंगे, बच जाएंगे अभी के लिए. जी हाँ बिल्कुल, हुज़ैफ़ा नीचे उतरेंगे, एक और प्लेयर पर वहीकल ताक दिया जाएगा. वाओ ईस्पोर्ट्स मैट बुल्स को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, वाओ ईस्पोर्ट्स के नाइट को ब्लाइंड फायर्स दे रहे हैं, लो एचपी वो भी रहेंगे, लेकिन छोटू पीछे नॉक डाउन हो जाते हैं, हुज़ैफ़ा गिर जाते हैं, मैट बुल्स इज आउट ऑफ द गेम. आई रिपीट, मैट बुल्स इज आउट ऑफ द गेम. वाओ ईस्पोर्ट्स के पास 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं. इस आग को अब सिर्फ इंतजार करना है फोर मेडिकल वाइप्स की गलती करने का, क्योंकि सर्कल एस इकोनिक साइड का साथ निभा रहा है, ग्रेनेड जाता है, लो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर क्रिएट किया जाएगा, दोनों अतराफ से कोशिश की जाएगी अब ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटीज का इस्तेमाल करने के, लेकिन एपिक्स गाड़ी में बैठ चुके हैं, अपने बगीज का इस्तेमाल करते हुए, बैरन आगे आएंगे, उनका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगा, फलक को यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, फलक को यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, बच जाएंगे अभी के लिए. बैरन दोबारा से एपिक्स को ग्रेनेड दागा जाता है, लेकिन टीम फाल्कन फोर्स वो भी यहाँ पर आ जाते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने के लिए. एपिक्स को गिरा दिया जाएगा, फलक के जाए इतने शानदार एंगल में जो कह रहा था उसके बिल्कुल फर्क साबित होता है, बैरन को भी खत्म किया जाएगा. आगे बढ़कर टीम एसाग अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स को कंफर्म करना चाहती है, पांचवा तो कंफर्म उन्होंने कर ही लिया है, छठा सामने मौजूद है, नॉक किए हुए रखे हैं टीम फोर मेरिकल वाइब्स के प्लेयर्स, लेकिन क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा लो एच पी रहते हैं, 4MV को इस मैच से बाहर करने में कामयाबी हासिल कर चुकी है टीम एसाग. देख रहे हैं जोन एक बार फिर से जो है वो चला जाएगा टीम DRS के हाथों से, और अब DRS को जोन में आने से रोकते हुए दिखाई दे सकते हैं टीम A6G के प्लेयर, लेकिन गलती नहीं करनी. उसम ने लो एचपी किया स्लीपी को, उसम खुद भी लो एचपी हो जाते हैं, सामने से ग्रेनेड आएगा, उसम को 1HP किया जाता है, उसम नॉक हो सकते थे, नॉक किया जाएगा, उसम यहाँ पर 1HP पे हो जाते हैं, और अब आखिरी प्लेयर यहाँ मौजूद है द रियल सोल्जर्स के, उनको एलिमिनेट करना और सेकंड रन निकालना ये पॉसिबल सा लग रहा है. इनफैक्ट इसमें कोई कमी बेशी हो ही नहीं सकती. टीम A6G के मैच जितना शानदार उन्होंने खेला है उससे ही बाकमाल इख्तिताम करके जाएंगे. 1v3 सिचुएशन है, सामने क्रिप्टो मौजूद है, फलक मौजूद है, गाड़ी लेकर वो आगे आ रहे हैं और उनको आगे आने दिया जा रहा है, जानते दो साइड से प्रिंस हो जाएंगे. 1v3 सिचुएशन, एक पे दोनों किया जाता है, उनको फिनिश करना चाहते हैं, आगे आएंगे, फिनिश किया भी जाएगा, जानते अब अपने आप को हील कर सकते हैं, लेकिन बैकिंग से उज़म को देखना पड़ेगा, उज़म आगे नहीं आ रहे, क्रिप्टो को ग्रेनेड जाएगा, फिनिश किया जाता है. दिस इज गेम फाइनली A6G का एक लॉन्ग अवेटेड चिकन डिनर आज के दिन निकल आता है, जबकि ये A6G का आखिरी दिन है, इसके बाद इनका आखिरी मैच है, लेकिन उससे पहले ही 12 एलिमिनेशन के साथ ये टीम 2471 का डैमेज देगी और एक चिकन डिनर निकाला जाएगा इनकी तरफ से. दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल हुज़ैफ़ा इस सारी फाइट में अकेले मौजूद है, उनके आसपास कोई मौजूद नहीं रहेगा, एलिमेंट को काफी लो एच पी किया जाएगा, प्रॉक्सी यहाँ पर नॉक डाउन जरूर है, वाओ के हुज़ैफ़ा के ऊपर पुश किया जाएगा, एक पे को नॉक किया जाएगा, दूसरे को नॉक करते हुए नजर आएंगे, सामने एलिमेंट्स मौजूद है, हुज़ैफ़ा के पास शॉटगन नहीं रहेगी, हुज़ैफ़ा हैज़ टू डू समथिंग अमेजिंग, आखिरी प्लेयर सामने है एलिमेंट्स, लेकिन वहीं पर नॉकआउट निकल जाएगा एलिमेंट्स की तरफ से. हुज़ैफ़ा यहाँ पर अकेले दो नॉकआउट्स निकालते हुए नजर आएंगे, अपनी तीन नॉकआउट्स निकाले जाते हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग इज एलिमेंट्स. लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, क्या प्लेयर पुशन करेंगे, क्या प्लेयर चार्जिंग करेंगे, रिवाइवल दिया जाएगा, हुज़ैफ़ा को रिवाइव नहीं दिया जा रहा अभी तक, क्या रामन देने वाले हैं, लेकिन नाइट आ ही नहीं रहे हैं, नाइट आना ही नहीं चाह रहे हैं, वहां से किसी दूसरे तरफ नाइट को एलिमिनेट कर दिया जाता है. वाओ ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ी हुज़ैफ़ा की कराई मेहनत, सब कुछ पानी में बिखेर दिया जाता है इसके पास, क्योंकि स्मोक्स ही उनको बचाएंगे, कवर उनके पास नहीं है. रोशन को गिराया जाएगा, एरो का ग्रेनेड आता है, डैमेज पहुंचाया जाता है, रोशन गेट्स टेकन डाउन, एरो बहुत ज्यादा बचते हैं, रीफर्स को अगर नॉक
कर दिया जाता है तो शायद 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 अभी तक के लिए चिकन डिनर निकाल भी लिया होता, लेकिन खैर एरो को भी आगे बढ़ना है, ब्लू जोन का डैमेज भी आ रहा है। रिफस अगर एक बार और अगर उन्होंने पीक किया तो शायद वाज निकालने में ये नॉकडाउन कामयाबी हासिल कर पाए, आगे बढ़ा जाएगा। रेजिसाइड की जानिब से रिफस टेक, रिफस को गिरा दिया जाएगा। नॉकी की साइड से शानदार M416 और 6X का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन वाज आगे बढ़ेंगे और सामने रहते एरो अकेले खिलाड़ी, अब उनका भी बचना नामुमकिन, सब बन ही चुका है। जी हाँ, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा, 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ आई बिलीव रेजिसाइड ने इस मैच को अपना बनाया है। 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ 1400 प्लस का डैमेज दिया गया है। रेजिसाइड आज के दिन अपने इस दिन को अगर यकीनी बनाती है तो पॉसिबली शायद 12वें पायदान तक जा सकते हैं, या एटलीस्ट 14 तक तो चले ही जाएंगे कभी। लेकिन बोनस पॉइंट्स की रैंकिंग देखते हैं, खवातीन हजरात कौन लेकर गया सबसे बढ़कर। टीम फोर मेरिकल वाइब्स 57 लेकर गए हैं, इसके आधे से स्टार्ट लिया जाएगा फोर मेरिकल वाइब्स के जो पॉइंट्स रहेंगे स्टार्टिंग में तीनों हफ्तों में। इनफैक्ट तीसरे हफ्ते में सबसे हाईएस्ट बोनस पॉइंट्स निकाले हैं। रुकी स्पोर्ट्स 53 पॉइंट्स, 53 ही मैड बुल्स लेकर गई बोनस पॉइंट्स, डीआरएस 52, 45 आईएचसी, एसएग 29 लेकर गई है, सो लगभग 30 आप लगा सकते हैं। लेकिन A1 TMT 28, 52 ईस्पोर्ट्स 21 लेकर गई है, एवरेज गेमिंग 28, R3G 27 बोनस पॉइंट्स लेकर गई है, 24 HBT सबसे कम बोनस पॉइंट्स ऑब्वियसली STR के रहेंगे 20। ये है लीग रैंकिंग जहां से टीम्स ने जाना था। A6CG उनको डिथ्रोन करने में कामयाब नहीं हो पाती। DMR 8वें पायदान पर A6CG इख्तिताम करेगी अपने लीग स्टेज का, विच इज फाइन, विच इज नॉट बैड कंसीडरिंग इस IHC है, DRS है, मैट बुजुर्ग स्पोर्ट है, फॉर MVFL कन्फोर्स है, फॉर स्पोर्ट्स है, TRS है, कमाल कमाल की टीमें हैं उसमें भी अगर आप 8 स्पॉट पर आते हैं इट्स फाइन। अभी इन्होंने बहुत अच्छा नहीं खेला, इनफैक्ट इनका बहुत बुरा गया है फर्स्ट 2 वीक्स का सफर। A6CG ने ज़्यादातर पॉइंट्स अपने 3rd वीक में निकाले थे आई बिलीव, बल्कि सेकेंड वीक में भी कुछ बेहतर खेला था, फर्स्ट वीक तो बहुत ही बुरा गया था इनका। सो रियली होपफुल के A6CG लॉन्गर फॉर्मेट में डिफरेंट अप्रोच के साथ हमेशा देख ले किसी टूर्नामेंट में आती हुई नजर आए, लेकिन आगे बढ़ेंगे। ये वो पेज है, खतरनाक पेज है, 52 स्पॉट 16 स्पॉट पर क्वालिफाई तो कर रही है, लेकिन खैर नीचे मेजर प्राइज है कि 17th पर है STE, वाओ स्पोर्ट्स एंड KSX, इनको घर जाना पड़ेगा। लेकिन खैर क्वालिफाइड टीम्स की बात करें, ये वो 16 नाम होंगे जो आपको अगले हफ्ते जुमेरात से 3 दिन पर मुश्तमिल पबजी मोबाइल सुपर लीग सेंट्रल एंड साउथ एशिया के ग्रैंड फिनाले में लड़ते भिड़ते एक दूसरे में आपस में देखने को मिलेंगे, और यहाँ से सिर्फ 5 होंगे 16 में से जो आगे अपनी जगह ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 में बना पाएंगे, वन ऑफ दी मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट ईस्पोर्ट्स की दुनिया में ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप।